वक्त है 1996 और घटना है पुणे शहर के हिंजेवाड़ी जगह की। अनय नाम का बच्चा अभी अभी अपने साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचता है। बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि ऐसी बारिश बिजली पुणे में कई सालों से नहीं गिरी है। अरब सागर होते हुए तेजी से वेस्ट घाट की ओर बढ़ना। मौसम विभाग ने सभी तटीय इलाकों में चेतावनी जारी कर दी। अनय केवल अपनी मम्मी के साथ इस बंगलो में रह रहा होता है। उसकी मम्मी आर्किटेक्ट होती है जो एक हॉस्पिटल के डिजाइन बनाने में बिजी होती है। अनय के पिता पहले ही उन्हें छोड़ के चले गए थे। 1996 में भी अनय के पास एक वीडियो कैमरा था। अनय उस वीडियो कैमरा को अपने टीवी से अटैच करके अपने पिता की वीडियोस देखा करता था। उस रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक 2 बजे करीब अनय की आंख खुल जाती है। वो अपना वीडियो कैमरा ऑन करके अपने रूम को रिकॉर्ड करने लगता है और तभी उसे अपने पड़ोस में रह रहे राजा अंकल के घर से चिल्लाने और झगड़ने की आवाज आती है। अनय तुरंत अपने मम्मी को उठाने जाता है लेकिन उसकी मम्मी नहीं उठती। अंत में अनय की जिज्ञासा जीत जाती है और वो अकेले ही बारिश में राजा अंकल के घर निकल पाता है। घर में घुसने के बाद उसे एक लाश दिखती है। वो बेहद डर जाता है और राजा अंकल की आवाज सुनकर बाहर की तरफ भागने लगता है। अब उसे बाहर से आ रही फायर ट्रक दिखाई नहीं देती और अनय ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। अब जब अनय की मौत होती है तब उसकी घड़ी में एग्जैक्ट 2:12 हुए होते हैं। अब इस घटना को कई साल बीत जाते हैं। 2021 आ जाता है और अनय के घर में अब अंतरा, उसकी बेटी और उसका पति शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज सेम रहती है। दरअसल 1996 में जो तूफान आया था, बिल्कुल ऐसा ही तूफान उस वक्त भी पुणे में आने वाला होता है। अंतरा हर रोज अपनी बेटी को स्विमिंग के लिए ले जाती है और फिर खुद एक हॉस्पिटल में जाकर काम करती है। इस हॉस्पिटल में वो नर्स होती है। अब इस दिन भी वो अपनी बेटी को लेकर स्विमिंग पूल जा रही होती है जब उसे उसके कॉलेज का दोस्त अभिषेक रास्ते में मिलता है। अभिषेक एक पायलट होता है और अंतरा उसे अपने घर ठीक 8 बजे खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि 1996 और अभी 2021 में जो तूफान आने वाला है वो दोनों एक ही तरह का तूफान है। इसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कहते हैं, जो हवा में मौजूद वेव्स पर असर करता है। अब इसके बाद घर आने के बाद अंतरा और उसके फैमिली को घर में अनय का वो सेम वीडियो कैमरा और टीवी मिलता है। अब टीवी में वो लोग उस रात की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं जिस रात अनय की मौत हुई थी। अब जब रात को खाने के वक्त अभिषेक से इसके बारे में पूछा जाता है तो अभिषेक उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कैसे मर्डर देखने के बाद अनय की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अंतरा का पति इस मर्डर के बारे में और पता करता है और उसे पता चलता है कि उस रात राजा घोष ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था और अगर अनय उस रात ये मर्डर नहीं देखता तो राजा उसकी बॉडी को अपने सुगर मिल की फैक्ट्री के पीछे छुपाने वाला था। अब ये पूरी बात वो अंतरा को बताता है। रात हो जाती है और एक बार फिर बाहर तेज बारिश और बिजली कड़कने लगती है। अंतरा की आंखें अचानक खुल जाती है और वो उठ के अनय के रूम के खिड़की बंद करने चली जाती है। वहां पड़ा वीडियो कैमरा देख के अंतरा उसे ऑन कर देती है। रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे होते हैं। अब अचानक अंतरा के वीडियो कैमरा में एक बच्चा दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ 1996 में अनय के कैमरा में अंतरा दिखने लग जाती है। अब थोड़ी कंफ्यूजन के बाद अंतरा समझ जाती है कि वो पास्ट में अनय को देख पा रही है। वो अनय को बताती है कि कैसे एक फायर ट्रक की वजह से उसकी मौत होने वाली है और कैसे वो उसी हॉस्पिटल में काम करती है जिसके डिजाइन उसकी मम्मी बना रही थी। वो अनय को मर्डर के बारे में बताती है जो राजा घोष उस रात करने वाला था। अब अनय इन सब चीजों से कंफ्यूज जरूर हो जाता है लेकिन इस बार वो राजा अंकल के घर झांकने के लिए नहीं जाता। अंतरा की वजह से वो अपनी मौत से बच जाता है। अब अगले दिन सुबह अंतरा की आंख खुलती है लेकिन वो जिस घर में उठती है वो उसका घर नहीं होता। उसे अचानक चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है जिसकी आज तक उसे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है। अब देखो मूवी का ये पॉइंट बेहद ही एक्साइटिंग हो जाता है। एक तरफ अंतरा को विश्वास होने लगता है कि उसने अनय को बचाकर अपनी टाइमलाइन को बदल दिया है, वहीं दूसरी तरफ अनय को यकीन हो जाता है कि टीवी में आई हुई लड़की सच बोल रही थी। अब इन दोनों की टाइमलाइंस को मास्टरफुली मूवी में समझाया गया है। अंतरा को पता चलता है कि इस टाइमलाइन में उसकी शादी तक नहीं हुई है, बेटी तो दूर की बात है, और तो और वो इस टाइमलाइन में केवल एक नर्स नहीं
बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है। अब अंतरा का विश्वास केवल एक मिस्टीरियस पुलिस वाला करता है जो हर स्टेज पर अंतरा को जवाब हासिल करने में मदद करता है। और वहीं दूसरी तरफ अनय और उसकी माँ को राजा घोष पर शक होने लगता है कि उसके घर में डेड बॉडी है। अब याद करिए कि ओरिजिनल टाइमलाइन में अनय की मौत की वजह से राजा घोष के घर में उसकी वाइफ की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन क्योंकि इस बार अनय नहीं मरता इसलिए वो डेड बॉडी अभी भी राजा अंकल के घर में छुपी हुई थी। अब अनय पूरा वक्त अपने टीवी और वीडियो कैमरा के सामने बैठा रहता है इस उम्मीद में कि वो लड़की एक बार फिर उसमें आएगी और उससे बात करेगी। अब देखो अंतरा इन सब चीजों से बेहद ही ज्यादा कंफ्यूज जाती है। उसे बस अपनी बेटी चाहिए होती है जो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक पुलिस वाले के अलावा कोई उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करता। अब अंतरा को पता होता है कि अगर वो बड़े अनय को ढूंढ ले तो वो अपनी टाइमलाइन बदलने की थ्योरी को कंफर्म कर सकती है। लेकिन अंतरा को ये भी पता चलता है कि बचपन में अनय हर वक्त उस लड़की की बात करता था जिसने टीवी में आकर उसकी जान बचाई थी। अब ये सब सुन के दूसरे बच्चे उसका बेहद ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे। अनय की थेरेपिस्ट ने तो अनय की इस बीमारी पर बुक तक लिख डाली थी। उसकी थेरेपिस्ट ने लिखी है ये किताब। इन चीजों की वजह से अनय और उसकी फैमिली बहुत साल पहले पूरे शहर को छोड़कर कहीं चले गए थे। अब अंतरा को ये भी पता चलता है कि इस टाइमलाइन में राजा घोष कभी भी पकड़ा ही नहीं गया था। और वहीं अनय और उसकी मम्मी को दिन प्रतिदिन यकीन होने लगता है कि राजा घोष ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। अब वो दोनों पुलिस के पास इसकी जानकारी को लेकर जाते हैं, लेकिन सबके सामने अनय को झूठा कह दिया जाता है और उसकी लड़की के टीवी पर आने की बातें बेतुकी बता दी जाती है। राजा घोष अपनी बीवी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके सुगर मिल फैक्ट्री के पीछे छुपाने में कामयाब हो जाता है। अब देखो क्योंकि अंतरा दूसरे टाइमलाइन से थी इसीलिए उसे ये पता होता है कि राजा घोष कहां अपनी बीवी की बॉडी को छुपाने वाला है। अब वो इस जानकारी को उस पुलिस वाले को देती है। अब छानबीन करने पर फाइनली 25 साल बाद राजा घोष की वाइफ की बॉडी उस सुगर मिल फैक्ट्री के पीछे मिली थी। वो पुलिस वाला राजा घोष को अपनी कस्टडी में ले लेता है और राजा अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अंतरा अपने टाइमलाइन में वापस नहीं पहुंच पाई। अब उसे यकीन हो जाता है कि बड़ा अनय उसके हर सवाल का जवाब दे सकता है। अब किसी तरह वो फाइनली बड़े अनय के घर का पता लगा लेती है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तब उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। जो पुलिस वाला सुबह से उसके साथ घूम रहा था वही तो बड़ा अनय होता है। अब देखो असल में अनय कभी भी टीवी पर आई हुई उस लड़की को भुला नहीं पाता। उसके पास बस एक क्लू होता है कि एक दिन वो लड़की उसे हॉस्पिटल में काम करने आएगी जिस हॉस्पिटल के डिजाइन उसकी मम्मी बना रही थी। तो वो हर दिन उस हॉस्पिटल के बाहर आता था कि एक दिन उसे अंतरा दिख जाएगी। अब फाइनली वो दिन आया जब उसे अंतरा दिखी, लेकिन इस अंतरा को कोई भी आइडिया नहीं था कि इसने अनय की जान बचाई है। अनय और अंतरा धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अनय को बचाने के बाद और टाइमलाइन को चेंज करने के बाद अंतरा जिस घर में उठी थी वो अनय का ही घर था। अनय को पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसकी अंतरा को सब याद आ जाएगा, इसीलिए उसने अंतरा को नहीं बताया कि वो ही अनय है। अब ये सब सुन के भी अंतरा को कुछ फील नहीं होता क्योंकि उसे अनय से मिलना याद तक नहीं है, उसे तो बस उसकी बेटी याद है। अब कोई रास्ता ना दिखाई देने पर अंतरा कार के नीचे आकर मर जाती है। अब बड़ा अनय अंतरा को बचाने के लिए एक बार फिर उसी टीवी और वीडियो कैमरा को कनेक्ट करता है। अब वो 1996 में मौजूद अनय के टीवी से कनेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसे क्लियरली कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अंतरा से नहीं मिलेगा। ध्यान से जो अंतरा थी जो टीवी पे आई थी ना, वो दोबारा वापस नहीं आएगी। वो दोबारा वापस नहीं आने वाली है। अगर 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 तुम्हें उससे मिलना है ना तो उसका इंतजार मत करना, उसके पीछे मत जाना। इस घटना से टाइमलाइन एक बार फिर से रीसेट हो जाती है। अंतरा अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है, लेकिन देखो वो जिस टाइमलाइन में आती है उसमें एक छोटा सा चेंज भी आता है। इस टाइमलाइन में भी अनय मरा नहीं है, इस वजह से राजा घोष अभी भी उनके बाजू वाले घर में ही रह रहा होता है। अब अंतरा एक बार फिर से पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि राजा घोष ने कहां पर अपनी वाइफ की बॉडी को छुपा कर रखा है। अब इन्वेस्टिगेशन में अंतरा एक बार फिर अनय से मिलती है, लेकिन इस अनय को कोई भी आइडिया नहीं होता कि अंतरा कौन है। वहीं अंतरा को अच्छे से पता होता है कि दूसरे टाइमलाइन में वो दोनों क्या थे। बस यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अब अंतरा और उसके पति का डाइवोर्स हो गया था इसीलिए यह अनुमान लगा पाना मुश्किल नहीं है कि अनय और अंतरा एक बार फिर लवर्स बन जाएंगे। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी थी? क्या आपको ऐसे ही और टाइम ट्रैवलिंग वाली बॉलीवुड मूवीज देखनी पसंद है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको डेफिनेटली ये वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगे, इनको जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।